ये देख, ये मैं अभी इधर से ही आया हूँ, देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, सुन ये देख, मैं अभी इधर से ही आया। सुन रहे हैं? उए, उए, अल्लाह वकुर, वो देखें सामने, वो देखें कौन सामने नजर आ रहा है। अस्तगफिर, उए, ये किधर किधर से क्या क्या आवाजें आनी शुरू हो गई। ये चारों तरफ से मुझे घेर लिया किसी ने। ये देखें, सुने सुने सुने, ओ हो हो, ये तो ऐसे जैसे बहुत सारे लोग अभी किस किस्म की आवाज़ें निकाल रहे थे और अब क्या आवाज़ें निकलना शुरू हो गई। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये देखें, ये देखें, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये तो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे जैसे कभी ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सारे बंदे बोलना शुरू हो गए हैं, कभी औरतों की आवाज़, कभी कुत्तों की आवाज़, और अब देख लें कुछ भी नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं, आप ये देखें, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये वो एंट्रेंस है जो है मेन, और इसी पॉइंट से मुझे वापस कर देते हैं। क्या बोला, दोबारा बोलें, अभी कोई बोला है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये जैसे ही मेरे पत्थर आगे पत्थर आके गिरे हैं, ये देखें कौन है, कौन है, यकीन करें इतनी भयानक लोकेशन, इतना ज़्यादा जो है मैंने खौफ, और मुझे जो एक शक पड़ रहा है, जो मेरा माइंड कह रहा है, वो ये कि अकेला अकेला समझकर या अकेला देखकर ये अपने इस सोच में है कि ये मुझे, अल्लाह अकबर, ये देख कौन है, ये क्या था, जो कैफियत इस वक्त यहाँ पर है, जो चीज़ें यहाँ पर इस वक्त मैं फिज़िकली जिनको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, कैमरे की आँख अल्लाह करे उसको एज़ इट इज़ रिकॉर्ड कर रही हो, और मैं कामयाब हूँ आप तक वो चीज़ पहुँचाने में, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आते हैं, कि आप जिन चीज़ों को जो आपकी एक्सेस में नहीं है, जो आपकी अप्रोच में नहीं होती, हम उनको आप तक एज़ इट इज़ पहुँचाएँ, और मैक्सिमम जो है आप भी उसी उन चीज़ों को, अल्लाह की इस मखलूक को जो यहाँ पर है, उनको आप देख सकें। वैसे मैं ये बात करता करता अपनी उस लाइन से कम अज़ कम अब ज़्यादा आगे आ गया हूँ, जो जिधर से जिधर मुझे यहाँ ये पहले नहीं आने दे रहे थे। ये देखें, अब ऐसे जैसे अभी आप चंद
एक दो मिनट पहले या 5 मिनट पहले आप देखें आप यहाँ पर किस तरीके से आपने शोर सुना, जैसे बहुत सारे आदमी आ गए, बहुत सारे कुत्ते आ गए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो कुत्ते बन के यहाँ पर अब मेरे गिर्द इकट्ठे हुए थे, ये गार्डियंस ही हैं इधर के। ये यहाँ पे कुत्तों की शक्ल में अपीयर हुए हैं ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं। वो आंखें नज़र आनी शुरू होगी मुझे दोबारा, ये देखें सामने आए, दोबारा सामने आए, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ से इस पॉइंट पे नहीं चली गई। तो ये है 11वीं का चांद और आज 11वीं की रात है। यहाँ पर जब मैं आया था उस वक़्त ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे ढोल बज रहे हैं और मुझे कोई सामने खड़ा हुआ देख रहा है, बल्कि घूर रहा है। और जब भी मैं ये बात करता हूँ, मैंने दूसरी दफ़ा ये बात की है, बात करते ही वो चले जाते हैं सामने आए। अल्लाह अकबर, कौन था, कौन था ये? ये मेरे साइन मांगते देखें। कौन है सामने आए, मेरे सामने आए। मेरे ख्याल में मुझे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल खामोशी हो गई है और मेरे ख्याल में जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि एक वक्त आता है, हम जब मुसलसल इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रहे होते हैं तो एक ऐसा वक्त आता है कि एक्टिविटीज़ एकदम थम जाती हैं और ऐसे हो जाता है जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ हुई नहीं। ये जो वजह है ये आज तक मैंने, ये अल्लाह करे ये आवाज़ रिकॉर्ड हो गई हो। कोई हंसा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें, ये दोबारा ईंटें आई हैं, ये देख, ये देखें। और इस दफ़ा ये पक्की ईंटें आई हैं, ये देखें। इधर से नहीं, ऊपर से नहीं आई, इधर से आई। ये डस्ट, वही चीज़ दोबारा, वो देखें। अजीबो गरीब इसके साथ कुछ लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? अल्लाह अकबर। ये आना शुरू हो गया पत्थर, ये तो वही बात दोबारा शुरू होगी, दोबारा शुरू होगी। मैं अभी ये बात कर रहा था कि जैसे यहाँ एक्टिविटीज़ जो हैं वो थम गई हुई हैं, लेकिन मैंने जैसे ही थोड़ा सा आगे कदम रखा दोबारा पत्थर आने शुरू हो गए यहाँ से। उफ, मैं उन व्यूवर्स से गुजारिश करूँगा जो हमारे प्रोग्राम को बड़े गौर से आमिल हजरात देख रहे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो यूएई, सऊदीया या वो इंडिया के तांत्रिक हैं, उनसे ये ख़ास तौर पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को मेरे साथ लाजमी शेयर करें कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बीच में एक ऐसा टाइम आता है कि एक्टिविटीज़ एकदम ऐसे रुकती हैं जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना हुआ, और अचानक से फिर से मामला शुरू हो जाते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ रुकती हैं ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मैंने इतने प्रोग्राम अपने रिकॉर्ड कर लिए हैं मैंने और शाहिद ने, लेकिन ये मामला जो है ये हल नहीं कर सके हम। यहाँ पे ये बहुत सारे ये टीले मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में ये होता ही है कि यहाँ से ये
खुदाई करते हैं या जो भी है, मैं इस वक्त यहाँ जितने भी मौजूद छोटे छोटे पहाड़ बने हुए, टीले टीले हैं, पहाड़ नहीं है टीले हैं, तो मैं उनमें से एक पर मौजूद हूँ। और आपने अभी देख लिया कि किस तरीके से मेरे पे इन्होंने जो है पत्थरों की बकायदा बारिश की है। यही बात उनके जो यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने कही थी कि यहाँ पर 11वीं पे जो भी काम शुरू करता है उसको यहाँ पर मजदूर को ईंटें मारी जाती, ईंटों की बारिश हो जाती, मारी नहीं जाती, ईंटों की बारिश हो जाती है। मैंने पहले ये देखें, ये कोई बोल रहा है, कोई गुस्से में, किसी ने मुझे ऐसा सुनाई दिया जैसे गुस्से में कोई कह रहा है कि अब तुम आगे आने की जरूरत क्यों नहीं कर रहे, इस तरह की कोई मुझे सुनाई दी है बात, कि जैसे किसी ने कहा है कि अब तुम आगे आने की जरूरत क्यों नहीं कर रहे, और ये पंजाबी में बोला है। इस जगह पर अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अमन हो गया, मुझे तो ढोल बजने की आवाज़ अभी भी यहाँ पर सुनाई दे रही है और हल्की सी फ्रीक्वेंसी में है, बिल्कुल हल्की सी फ्रीक्वेंसी में ये आवाज़ है। एक जो बात मैं उस वक्त बीच में जब कर रहा था तो बहुत सारी एक्टिविटी शुरू हो गई थी, मैं मुकम्मल नहीं कर सका, वो बात ये कि जब हमारे व्यूअर अक्सर ये उनमें से ये बात करते हैं कि जी आप तीसरा कैमरा जो है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, आप कैमरा किसी जगह पर प्लेस क्यों नहीं करते। अब जो हालात यहाँ पर आपके सामने हैं, जगह ये बिल्कुल खुली है, मैं यहाँ पर कैमरा लगा कर किधर जाऊँ, तो हमारा भी दिल करता है कि हम बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड करें, लेकिन ज़्यादा माइंड में ये होता है कि जहाँ पर हमें अपनी पड़ी होती है ठीक है, और हम उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर सकते कि हैंडल नहीं कर सकते कि जो है लाइट कम हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, लाइट कम हो गई थी मुझे पता ही नहीं चला। होता यह है कि हम जहाँ पर अपने आप को खुद संभालने में बड़ा दुश्वारी महसूस कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से हम रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। अभी आप खुद देख लें कि किस तरीके से यहाँ पर हालात हुए हैं कि सडन मैंने कोशिश की आपको दिखाने की, अल्लाह करे वो तमाम साइन रिकॉर्ड हो भी चुके हों, कि एकदम से जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं तो नहीं हम अपने इक्विपमेंट्स वगैरह संभाल सकते बाजू का, और इतनी खुली जगह है नहीं लगा कर हम इधर उधर जा सकते, तो जहाँ पर जो कुछ हो सकता है वो हम करते हैं। अभी मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, मेरे ख़्याल में जो है हम मैं अब एक दफ़ा कोशिश करता हूँ कि आपको वो जगह दिखाऊँ जहाँ पर मुझे 2-3 दफ़ा आंखें नज़र आई हैं, और इस जगह ये वो जगह थी जहाँ पर मुझे अभी किसी ने पंजाबी ज़ुबान में ये लफ्ज़, जिसको अगर आप ट्रांसलेशन कहें कि तो ये मायने बन रहे थे कि हुन अगे आने दी क्या, यानी कि अब तुम आगे आने की ज़रूरत क्यों नहीं कर रहे, अब आओ आगे, तो इस जगह से वो मुझे मुसलसल आवाज़ें आई हैं। आप देखेंगे ये वो रास्ता है, ये देखें किस तरीके से पत्थरों की बात, अस्तगफिरुल्लाह, ये देखें आप पत्थर देखें किस तरीके से मेरे, ओहो क
किस तरीके से पत्थरों की बारिश हुई है। जब भी मैं ये सोचता हूँ कि अब एक्टिविटीज़ थम गई हैं और मैं आपको वो जब वो जगह दिखाऊँ जहाँ जो एक मेन एरिया है इनका, मेरे पे फोर ये देखें, ये वो पत्थर है और यहाँ ये अभी अभी कुछ देर पहले नहीं थे। ये मेरे ख्याल में एक अरसे से ये इस जगह पर यहाँ पर इनका ये तमाम मामला चलते होंगे, इकट्ठे होते होंगे, अपने जो भी जो भी इनके ट्रेडिशन के हवाले से या जो भी इनके अंदर मामला जिन्नात के होते हैं कि वो अपनी शादियां कर सकें। तो ये एक किस्म का आप इंसान की आंख से हटकर ये अपनी तमाम जिंदगियां बसर कर रहे होते हैं। कुछ इनमें ऐसी कैटेगरी होती है जो कि इंसानों के साथ रह रही होती है, वो पसंद करते हैं या उनकी एक रूटीन बन चुकी होती है कि वो इंसान के साथ एडजस्ट हो चुके होते हैं और वो मेरे साथ इस वक्त कोई चल रहा है। कौन है? ये मैं सही कह रहा था, इस साइड पे कोई है। ये अल्लाहु अकबर, मैं एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये वो जगह, ये है मेन एंट्रेंस। ये है वो जगह। आज की रात ही एक वाहिद रात है जहाँ पर यहाँ काम करने वाले तमाम मज़दूर, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से जगह छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं आते। क्यों नहीं आते, उसकी जो रीज़न थी वो मैंने खुद देख ली है, कैमरे में रिकॉर्ड भी कर ली है। और ये वो मेन एरिया है जहाँ पर ईंटें पकती हैं। ये चिमनी है मेरे ऊपर जो कि अब ये चल रहा है या नहीं चल रहा, मेरे ख्याल में चल रहा होगा। तो एक किस्म का आप जब ये ऑलरेडी कौन है मेरे सामने हलचल हुई बहुत ज़्यादा, कौन है? धमक बहुत ज़्यादा। ये कौन है? क्या आप अपने वजूद का इजहार कर सकते हैं मेरे सामने? एक दफ़ा मेरे सामने अपने किसी भी रूप में जाहिर हो जाएं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जी बस मैं एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आना चाह रहा था ताकि एक दफ़ा कोई एरिया ऐसा ना रह जाए। ज़्यादा सख्त जो मुझे फेस करने को मिला है वो वही एरिया है
जो अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये देखें तूफान, ओ हो, ये देखें, ऐसे जैसे यहाँ कोई घूम के गया है, ऐसे जैसे यहाँ पर कोई घूम के गया है, ये देखें, मैं यही बात कर रहा था कि जब ये इंसानों से दूर होकर अपनी बस्तियां बसा लेते हैं, अपनी आबादकारियां कर लेते हैं, ऐसे में अगर कोई यहाँ इनके उस कबीले में चला जाए, उस एरिया में चला जाए जो कि ऑलरेडी ये दूर बनाकर बैठे हुए हैं, तो फिर ये वहाँ किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं करते, और आप उसी की वजह से, कौन है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तूफान आ गया, ये देखें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये हर, मुझे समझ ही नहीं आ, देखें हर तरफ, ओहो अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये देखें, अजीब किस्म का तूफ़ान आ गया हुआ था, और अब यहाँ देखें कुछ भी नहीं है, एकदम ऐसे अंधेरी आ गई हुई थी चारों तरफ, ओए कौन है, मेरे ख्याल में अब टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, अब निकलना चाहिए, मैं आमतौर पर भागता नहीं हूँ, लेकिन बहुत होगी इस जगह को, जितनी जल्दी हो सकता है अब खाली कर दिया जाए, मैंने खुद देख लिया कि यहाँ पर जो एक पूरा कबीला था वो किस तरीके से अपना यहाँ पर अपने मामलात चला रहा था, ये देखें, ये कौन बैठा हुआ सामने, ये देखें, कैमरा फोकस नहीं कर रहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ओए किसने हाथ लगाया, अभी निकलते हैं इधर से।